हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माँ बेटी के किचन यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको आलू की एक ऐसी सीक्रेट रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो पनीर को भी फेल कर देगी और ये पनीर के जैसे ही टेस्ट देगी। तो हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस रेसिपी के लिए लिया है 3-4 मीडियम के साइज के आलू लिया है, 4-5 प्याज लिया है, धनिया लिया है, 1 गांठ लहसुन लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है, 4-5 मिर्ची लिए हैं और 4 मैंने टमाटर लिए हैं। और मैंने मसाले में लिए हैं 7-8 नमक लिया है, धनिया लिया है और हल्दी पाउडर लिया है और मैंने लिया है गरम मसाला और लिया है मिर्ची पाउडर और साथ ही मैंने जीरा लिया है, आमचूर पाउडर लिया है, छोले मसाला लिया है, पनीर मसाला और साथ में अमूल बटर लिया है। तो हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सारे सब्जियों को काट लेंगे। तो अब हमने सारे सब्जियों को काट के धो के रख लिया है। तो अब हम आलू को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और साथ में इन सब की ग्रेवी बना लेंगे। तो अब हम आलू को पनीर की साइज में काट लेंगे। आपको इसी तरह आलू को काटना है। और आलू को ज्यादा मोटा नहीं काटना है, उसे थोड़ा पतला ही रखना है। तो मैंने यहाँ इसमें प्याज लहसुन अदरक मिर्ची को पीस लिया है और साथ ही इसमें मैंने टमाटर को भी पीस लिया है और मैंने आलू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब हम अपनी रेसिपी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी है। तो यहाँ मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और अब मैं इसमें डालूंगी बटर और इसमें हम आलू को फ्राई करेंगे। आप चाहें तो यहाँ तेल का भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ बटर का यूज किया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई हुए आलू। अब हम इसमें आलू डाल लेंगे। और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हम इसे चला चला कर फ्राई करते रहेंगे, ऐसे ही चलाते रहेंगे जिससे कि हमारा आलू जलेगा और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमारे सारे आलू ब्राउन हो चुके हैं। तो हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और इसमें मैंने जो मसाले पीसे थे अब हम इसे उसमें डाल लेंगे। और जब तक इसमें ऊपर तेल ना दिखने लगे तब तक हम इसे पका लेंगे।
तो हम अपने अपने ग्रेवी को देख लेते हैं कि वो पकी है कि नहीं। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से पकी है, उसके ऊपर चटनी छोड़ दिया है। तब हम इसमें डालेंगे टमाटर डाल के इसको चलाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पांच मिनट तक हम टमाटर चलाएंगे। जब तक मेरी ग्रेवी तैयार हो रही है, मैं यहाँ पर अपने मसाले को तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ डाला है हल्दी और इसमें डालूंगी मैं लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा तीखा ही रखा है। और हम इसमें डालेंगे धनिया। और मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। और अब हम इसमें डालेंगे पनीर मसाला, छोले मसाला। आप चाहें तो डाल सकते हैं या तो नहीं भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर। आपको आमचूर पाउडर की मात्रा थोड़ी कम ही रखनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर पेस्ट में टमाटर का भी यूज किया है। हम अपनी ग्रेवी को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी पक गई है। तो अब हम इसमें मसाले, जो हमने मसाला तैयार किया है, वो मसाला भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। और इसमें मसालों को डाल के हम अच्छे से मसालों को पकने देंगे। और अब हम 5 मिनट तक अपने मसालों को भी पका लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे मसाले पके हैं कि नहीं। अब हमारे मसाले अच्छी तरह से नहीं पके हैं, तो अब हम 5 मिनट तक और पका लेंगे। कितनी अच्छी तरह से ऊपर से आ चुका है, हमारा ग्रेवी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पहले इसमें डालेंगे हम आलू। और आलू को डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे पानी। आप अपने हिसाब से पानी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पानी कम ही डालूंगी। हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला और गरम मसाला डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के खोला लेंगे। तो हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। तो अब
अब हम इसमें धनिया गार्लिक करके डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, इसका कितना अच्छा कलर आया है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। तो आप देखिए लग रही है ना पनीर से भी टेस्टी सब्जी। तो अगर आप इस तरह से आलू की सीक्रेट सब्जी बनाएंगे तो सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।